दबड़ी और आपका आज यूनिवर्स स्वागत है। और आज हम ट्रेलर देखने जा रहे हैं एक एक्शन थ्रिलर मूवी का, जिसका टाइटल है एनिमल, और इसको डायरेक्ट किया है संदीप रेड्डी वांगा ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार मुराद और परनय रेड्डी वांगा। और स्टार कास्ट में है रणबीर कपूर एज अर्जुन सिंह और अनिल कपूर एज बलबीर सिंह, बॉबी देओल है और साथ में रश्मिका मंदाना है, तृप्ति है, शक्ति कपूर सर है, चोपड़ा है और साथ में सुरेश ओबेरॉय सर हैं। वाओ, काफी बड़ी स्टार कास्ट हमें देखने को मिल रही है, तो चलिए देख लेते हैं ट्रेलर। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मेरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ओके पापा, लेट्स प्ले अ गेम। मैं पापा और आप बेटा। आपको याद है फिफ्थ स्टैंडर्ड में था और माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट हो रहा था बॉम्बे में। यू न्यू व्हाट अ बिग फैन आई वाज ऑफ माइकल जैक्सन। मेरे सारे दोस्त जा रहे थे पर मैं नहीं गया क्योंकि आपका बर्थडे था। उसी दिन को रिप्ले करते, कुछ नहीं करना आपको, आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। ओके, शिद्दत से करना पापा, मेरा एक ही मौका है। ओके, एक्शन पापा। पापा पापा पापा, सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। He adores you. तुम उसके लिए सुपर हीरो। दिन में 10 मिनट भी नहीं दे सकते अपने बेटे को। अफकटमा है, पापा को छोटे बाल वाला हेयरस्टाइल पसंद है ना? आई शेयर कट, पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो। I'll grow it again, पापा। जब तू वापस आया मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। सब मर गया है वो। टाइम बताएगा। मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है, पास है या दुनिया में सबसे फर्स्ट है। मैंने बोला क्रिमिनल, क्रिमिनल है हमारा बेटा। के लिए प्यार चोक नहीं, रोग है। I really wish you died that day. Oh, मैं वापस आ गया दादा जी, कहीं जाऊंगा। जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। प्लान करने से पहले मुझसे पूछा होता। अब से 100 चीजें करूंगा पापा, हर बार आपकी परमिशन नहीं दे सकता। मैं गो से लड़ता नहीं, उन्हें खा जाता हूं। आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा पापा। ये सारी दुनिया जला देंगे। ऐसे जैसे ना खंजर की आवाज आई है। Well, भाई सबसे पहले तो मैं ट्रेलर में और रणबीर कपूर की एक्टिंग की, उनकी लुक्स की तारीफ करना चाहूँगी। आई मीन आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत ही शानदार एक्टिंग वो कर रहे हैं जो हम लोगों ने ट्रेलर में देखा है। और जिस तरह के उनका हेयर स्टाइल बनाया गया है, इनफैक्ट जब हम लोगों ने टीज़र देखा था तो ऐसा लग रहा था कि कुछ इस तरह की स्टोरी होगी कि जिसमें मतलब उनको थोड़ा साइड पर रखा गया, बट इसमें एक बॉन्ड दिखाया गया, फादर और सन का बॉन्ड दिखाया गया है।
और वो अपने फादर की अटेंशन ग्रैब करने के लिए मुझे लगता है कि सब कुछ करते हैं। हाँ। भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि भाई उन्होंने जो एक अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया ना भाई, एक चॉकलेट हीरो से एक एक्शन हीरो की तरफ, सबसे पहले मैं कहूँ भाई वो चीज़ बहुत अमेजिंग है, क्योंकि इससे पहले हमने जितनी मूवीज़ में उन्हें देखा है ना, हमने उन्हें फ़नी रोल जो है वो ज़्यादा करते, हालांकि सीरियस रोल भी हमने देखे हैं, लेकिन वो एज ए फन करेक्टर में भी आपको साथ जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो उनकी लुक है, खासकर स्टार्टिंग पे जहाँ पे उनके मुँह पे स्कार जो है वो पड़े होते हैं और वो अपने पापा से कहते हैं कि आप जो है एक्टिंग करें मेरा बेटा बनने की, और जहाँ पे एकदम वो पापा कह रहे होते हैं कपूर सर, और साथ में वो कहते हैं सुनाई दे रहा है बे, वो जो आवाज आती है भाई, वो आवाज में ना आपको एक पावर नजर आ रही होती है। बिल्कुल, मैं कहूंगी कि फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम तक आपको वो एक आप कह लो ना कि इतने पोजेसिव वो आप एक इंसान को लेकर, मतलब उनका अपना प्यार जो अपने फादर के लिए वो नज़र आ रहा है, और अनिल कपूर सर के चेहरे पर उस टाइम पर जो एक आपको मतलब रियलाइजेशन नज़र आ रही है ना कि किस तरह से उन्होंने अपने बेटे के साथ आई थिंक शायद उस तरह प्यार नहीं कर पाए, टाइम नहीं दिया। हाँ, तो वो उस चीज़ को उस दुख को समझ पा रहे हैं। इनफैक्ट बीच में ऐसा भी दिखाया गया जहाँ पर आई थिंक जो अनिल सर की पत्नी बनाई गई है वो ये बोलती भी है कि आप 10 मिनट भी अपने बेटे को नहीं दे सकते, वो आपको जो है अपना हीरो जो है वो मानता है। हालांकि देखा जाए तो इस मूवी में भी जो है ना जो रणवीर कपूर हैं उनके आपको डिफरेंट फेजेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अभी जो फर्स्ट फ्रेम था वहाँ पे वो आपको जो ना थोड़ा सा मैच्योर एज के आपको दिखाई दे रहे हैं, 30+ कुछ इस तरह जो है वो दिखाया जा रहा है, या 40+ आप कह लें। उससे पहले की जो बात, जो एक क्लिप आता है जिसमें पापा को कहते हैं मैंने अपने बाल छोटे जो है वो करवा लिए, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो एक लुक का डिफरेंस जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाया जा रहा है। फिर हाँ, बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग में बात की गई कि उन्हें जो अपने पापा के लिए जो एक प्यार है कि भाई उन्हें कुछ भी हो जाएगा ना माफ़ नहीं करेंगे, तो वो चीज़ भी जो है ना आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा बीच में कि जो मतलब उन्होंने बोला कि हमारा बेटा क्रिमिनल है, ठीक है ना, अनिल सर ने बीच में ये बोला, तो मतलब जो अनिल कपूर सर का जो बिजनेस है या तो वो मुझे एक मिल के लिहाज से लग रहा है कि वर्कर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, या उसके अलावा भी उनका कुछ ऐसा है कि जिस जहाँ पर उनकी दुश्मनी है डिफरेंट लोगों के साथ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी बॉबी देओल सर के साथ या तो बिजनेस राइवलरी हो सकती है या कुछ यू नो इस तरह की। मुझे जिस तरह का ना वो एक होते हैं ना डार्क सीक्रेट्स होते हैं, कुछ उस तरह का जो है ना बीच में सीन लग रहा है कि शायद उनका कोई इस तरह का सीन है जो कि बाद में जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आपको जो हमने जो लास्ट टाइम गाना देखा था अर्जन वेली वाला, तो उसमें भी अगर देखा जाए तो एक तरह का आपको काफ़ी ज़्यादा दूसरी साइड पर ओपोनेंट्स नज़र आते हैं, इसमें भी आपको वो चीज़ जो है वो काफ़ी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि अर्जुन बेली का जो मतलब है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बड़े अच्छे से समझाया, क्योंकि हम लोगों को बेली लग रहा था, बेली नहीं वेली, मतलब जो होता है वो लाइक डॉन टाइप जो होते हैं ना लोग जो बड़े धांसू वाले, उनको बोला जाता है। सो नो डाउट जो करेक्टर है इसमें वो आपको एक अग्रेसिव करेक्टर नज़र आ रहा है। इनफैक्ट आप ये भी देखो कि रश्मिका मंदाना की भी बीच में हमें ग्लिम्प्स नज़र आए कि मतलब जो एक कह लो कि रणबीर कपूर का अपने फादर के प्रति जो प्यार है वो इतना ज़्यादा है कि मतलब वो बहुत सारी चीज़ ऐसी कर जाते हैं कि जिसमें उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी अफेक्ट हो रही है। फैक्टर या अच्छा जो है बीच में हमें और भी जो बड़े बड़े प्रेम चोपड़ा जी नज़र आए हैं, सुरेश ओब्रॉय जी नज़र आए हैं, शक्ति कपूर सर जो है वो नजर आए हैं, तो भी खैर इतना ज्यादा उनका जो है हमें रोल क्लियर नहीं हुआ। जो प्रेम चोपड़ा सर, शक्ति कपूर सर के जो सुरेश ओब्रॉय है वो दादाजी जो है वो बनाए हुए हैं। थोड़े दिन में जो है अब ये मूवी जो है वो आ रही है सिनेमा में, तो फर्स्ट दिसंबर को रिलीज होने वाली है, तो भाई मेरा ख्याल है कि जो है मूवी रिकॉर्ड ब्रेक करेगी इनके करियर की, क्योंकि देखा जाए तो जितनी भी इन्होंने मूवी की है संजू को निकाल कर अभी तक की सबसे डिफरेंट मूवी है। बिल्कुल, और मैं कहूंगी बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी लग रही है, लाइक जो उनका वॉकिंग स्टाइल है, हेयर स्टाइल है, हालांकि बहुत कम लोगों को ऐसा हेयर स्टाइल सूट करता है, लेकिन मैं कहूंगी कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें उनके करेक्टर में उनको लेकर देखने को मिली है कमाल की है। मैं कहूंगी रणबीर कपूर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर हैं,
बॉलीवुड के अगर हम बात करें, क्योंकि जितने भी हम लोगों ने जैसे मौजूद में बोला है कि हमने जैसे उनकी मूवी देखी संजू, उसमें बिल्कुल वो एक डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, इसमें वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। सो बाकी मूवी आएगी देखेंगे तो आइडिया होगा कि मूवी की स्टोरी एक्चुअल में क्या है, वो क्या चीज़ है, मिस्ट्री थ्रिलर जिसका हमें नहीं पता, मूवी देखकर पता चलेगा। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या स्टोरी लग रही है, लुक्स कैसी लगी रणबीर कपूर की, एक्टिंग कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। गुड बाय।